प्लेन का जैसे आप बताइए प्लेन में थोड़ी होगा बाहर निकलना ही है सारे प्लेन का लेकिन इसमें ना थोड़ा आपको जिम्मेदारी है ये जो मलबा डालते हैं ना ये आपको कूड़ा क्या होता है कूड़ा तो ड्रेन में डालना ही नहीं है कूड़ा ड्रेन में डालना ही नहीं जो व्यक्ति कूड़ा ड्रेन में डाल रहा है आप उस पर फाइन लगाओ क्योंकि आप डोर टू डोर कलेक्शन की फैसिलिटी दे रहे हैं दे रहे हो जब डोर टू डोर कलेक्शन वेस्ट का हो रहा है तो किसी को यहाँ पर डालने की आवश्यकता क्या है और ओपन ड्रेन में ड्रेन क्या रोड में भी डालना कूड़ा तो आप इसको कार्रवाई कीजिए अगर आपसे नहीं हो पाती है मैं अपने तहसीलदार पटवारी और पूरे बाजार से आप जो मेन चौक है ना जहाँ से रास्ते इधर तो लोग यहाँ पे होते हैं आपका डस्टबिन है पूरा उसमें वो उठ जाएगा इसकी गारंटी ये देते हैं गीले कूड़े की गारंटी ये इतना नहीं देती क्योंकि वो भारी है उसमें इनके पास कोई डस्ट नहीं है लेकिन ये है कि हफ्ते में एक बार गीला कूड़ा भी स्पेशल उठा सब्जी वाले डालो गीला कूड़ा तो आगे लेकिन गीला कूड़ा अलग ड्रेन जब ड्रेन के अंदर आप कूड़ा डालोगे तो ड्रेन में तो जाएगा वो लोकेलिटी के अंदर पानी चल रही है उसमें मैंने कूड़ा भर दिया होगा उस पानी के ऊपर वही पानी जब ऊपर चढ़ेगा तो गलियों में फंसेगा वो इश्यू तो है लेकिन यहाँ तो मेजर इशू वो है जैसे हल्की बरसात होती है ना हर बार नेशनल हाईवे वाले साफ करेंगे ना उसी बार चार टिप्पर मटेरियल निकालेंगे तो एक बरसात होगी द्वारा दस टिप्पर द्वारा माल भर जाए कह रहा हूँ सबकी जिम्मेदारी ठीक है जी ठीक है 8 बजे ठीक है ठीक है ये नोट कर लेना है दिस इज डायरेक्शन टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड द म्युनिसिपल कमेटी दैट दे विल इंश्योर दैट एवरी सिंगल डे द डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन व्हीकल शैल कम टू वार्ड नंबर 11 एट कितने बजे 8 बजे ठीक है बिल्कुल ठीक 8 बजे उसके बाद सायरन लगता है गाड़ी में वो आवाज आती है आवाज तो बताएं आज किस कौन ड्यूटी पे इमरजेंसी है बताइए आपका नाम और क्या कर रहे हैं आप यहाँ जो है यू आर पोस्टेड मेडिकल ऑफिसर है सो व्हाट इज सर आफ्टर 4 PM सर सारे पेशेंट इमरजेंसी में आएंगे तो ड्यूटी पे आज कौन कौन है सर इंटर्न ये सीरियल नंबर होते हैं सर ये चीज आ गया इंजेक्शन ऑफ अननोन सब्सटेंस ये वो वाला आ गया है सर अगर आईसीयू में सर नहीं सर जो आरटी के जिसमें आ रहे सर हमें यहां प्रॉब्लम है तो क्या डोनेशन काफी होता है सर हमारा टारगेट होता है डोनेशन कैंप्स का जैसे हमें 12 कैंप साल में लगते हैं भाई भाई ऐसे लोगों को मालूम है हाँ बिल्कुल हम कर रहे हैं काफी रखते हैं अभी लोगों को प्रमोट कैसे करेंगे आप आसान क्या है बताओ नहीं आसान क्या है ऐप के थ्रू आसान जिनके साथ कोई नहीं होता इतना पैसा जनरेट नहीं हो रहा है इतना चल नहीं रहा है तो अब सर से हम उसके बाद पायलट निकाली किया हुआ है कि किस लोगों को फार्मर्स वगैरह को किया हुआ अप्रोच यहाँ क्या करने आया है आपको भी टीका लगाना है किसने काटा है कहाँ पे काटा आज हमने शहर का थोड़ा निरीक्षण किया
और वार्ड नंबर 11 से एक समस्या थी कि लोगों के घरों में थोड़ा पानी जो है ड्रेन का वो घुस रहा है, तो उसके करके हमने यहाँ सारे के जितने भी ऑफिसर्स थे सबके साथ एक निरीक्षण किया और मौके पे ही जो निर्देश थे सभी डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं और मैं इसको पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके साथ में एक प्रॉब्लम ये थी कि लोग अपना कूड़ा ड्रेन में भी डाल रहे थे, तो वो एक प्रथा है जिसको हमें रोकना चाहिए। और मेरी आपके माध्यम से जनता को अपील है कि जो भी कूड़ा है वो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी में ही डालें, डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल है उसको डालें और ड्रेन में उसे हम ना डालें। इसी के साथ में आज हमने ज़िला अस्पताल का भी निरीक्षण किया और इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इमरजेंसी ब्लॉक और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का भी दौरा किया। यहाँ पे जो भी पेशेंट्स को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सर्विसेज दी जाती हैं, उसके बारे में हमने जानकारी ली और कैसे यहाँ की CMO, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट और उनकी पूरी टीम डॉक्टर्स की कैसे लोगों को ट्रीट कर रही है और उनका उपचार कर रही है उसके बारे में जाना। सर, जैसे कि अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफर हॉस्पिटल ज़्यादा कहा जाता है। सर, आप चाहे पिछला रिकॉर्ड चेक करिए, इसके बारे में क्या इंश्योर करते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में, जैसे 200 के करीब महीने के रेफर हो जाते हैं यहाँ पर पेशेंट, उसके बारे में क्या इंश्योर करते हैं? देखिए, मैंने जितना मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखा और 67 डिलीवरीज के आसपास इस साल की रही हैं, अमूमन यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड जो मैंने एज़ पर रिकॉर्ड्स देखा है वो अच्छा है। लेकिन जैसे अगर आप बता रहे हैं कि इस तरह के कुछ डॉक्टर्स का अगर ऐसा बिहेवियर है, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको काउंसिल किया जाएगा कि कोई इमरजेंसी हो तो ही रेफ़र करें, अगर यहाँ पे उपचार हो सकता है तो बिना टाइम वेस्ट किए उसको उपचार के लिए हमें